करनाल में नए बस स्टैंड पर पुलिस कर्मचारियों पर गोली चला दी गई। पुलिस कर्मी मुजरिम को पेशी के लिए लेकर जा रहे थे। आरोपी मुजरिम को छुड़वाकर फरार हो गए। यमुनानगर के पुलिस कर्मी पेशी पर लेकर आए थे मुजरिम को। इस घटना में घायल हुए पुलिस कर्मी को कल्पना मेडिकल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची डालकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे करनाल के SP ने जांच के आदेश दिए हैं। सर जी, वो कैदी के बंदे हो गए, कोई कैदी जो कैदी के साथ उसको पुलिस वाला व्यवहार करे, गोलियां चला रहे। अच्छा, तो कैदी के उनकी प्लान होगी कोई सर जी? अब तो छुड़ा के ले गए। छुड़ा के ले गए सर जी, जैसे भागते हुए नजर आए, पीछे मोटरसाइकिल थी। अच्छा, पीछे मोटरसाइकिल थी, एक बंदा जैसे भाग गया, दो उधर से भागे और मोटरसाइकिल बैठ के यमुनानगर की तरफ भागे। और पुलिस कर्मचारियों क्या हुआ? पुलिस कर्मचारियों को गोली लगी सर, टांगों में गोली मारी, आंखों में स्प्रे सुप्रे मार गए उनको। अच्छा, बंदा बना गया, पता नहीं क्या केमिकल था उनके पास, केमिकल से स्प्रे भी किया। अच्छा, तो आप यहीं थे उस टाइम मौजूद? यहीं थे हम, तीन चार बंदे। तो यहाँ पर CCTV कैमरे हैं, इसमें लगे बस स्टैंड में कैमरे लगे हैं सर, उनमें आई है फोटो उनकी? कैमरे में चेक करोगे तो कैमरे चालू नहीं है सर, शायद कैमरे चालू नहीं। मैं एक दो दिन से उनकी रिपोर्ट देने गए थे बाबू जी। अच्छा, CM साहब को मेरे, तो आप यहाँ रोडवेज, आप क्या हो यहाँ पर, रोडवेज इंचार्ज हो? मैं तो ड्राइवर हूँ सर जी, मेरे भी काम छुट्टी हो गया। अच्छा, यहाँ काम पे लग रहे हैं। अभी सूचना प्राप्त हुई है थोड़े दिन पहले, अभी थोड़ी देर पहले ही सूचना प्राप्त हुई है। ये यमुनानगर का एक एक्यूज था जो करनाल सेशन कोर्ट में पेश हुआ था, सुनील एलियस खीरा इसका नाम था। इसको वापस यमुनानगर पुलिस के 3 मुलाजिम थे जो यहाँ से वापस यमुनानगर लेके बस चेंज करने के लिए नए बस स्टैंड पे आए थे। यहाँ जो है 3 लड़के आए, तीनों लड़कों ने आके जो 2 मुलाजिम के ऊपर फायर किया और पेपर स्प्रे भी, एक मुलाजिम जिसके पास वेपन था उसके ऊपर स्प्रे किया और उसको साथ छुड़ा के भगा के ले गए। मोटरसाइकिल पे आए थे अभी तक जो लोगों ने बताया, मोटरसाइकिल पे आए थे पुलिस वालों का उनका सर अभी ठीक है, उनके पैर पे गोली लगी है, बाकी हॉस्पिटल। सर, एक बड़ी लापरवाही बस स्टैंड प्रबंधन की, कैमरा ही यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वो आगे इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी फिलहाल एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें सभी। तो किस गैंग से था, कोई खास गैंग से? बाकी डिटेल्स आपको दे देंगे।